द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज देश भर में बकरीद पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे भी गैंग होते हैं, कुछ ऐसे भी तबके होते हैं जो धारा के विपरीत चलते हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जादूगरी तब पकड़ी जाती है जब पता चल जाता है कि ये लोग एक फेक न्यूज पेडलर होते हैं, जिनका माइंडसेट ही यही होता है कि कैसे अपनी बातों को कहने के लिए फॉल्स नैरेटिव गढ़ा जाए, और ये सब पकड़े ही जाते हैं या तो तय होता है। दरअसल बकरीद पर जो बलि देने की प्रथा है, कुर्बानी की प्रथा है, उसके खिलाफ कुछ गैंग खड़ा होते हैं। वो सोशल मीडिया में ट्रेंड कराने के चक्कर में जब लिखना शुरू करते हैं तो भूल जाते हैं कि कोई टूलकिट गैंग सेम चीज कॉपी पेस्ट करता जा रहा है, कॉपी पेस्ट करता जा रहा है, भले ही उसके साथ कई लोग खड़े हैं या नहीं हैं। वो दिखाने की कोशिश करेगा कि उनके साथ, उनके पीछे तो बहुत सारे लोगों की तादाद है जो कुर्बानी के खिलाफ है। अब ऐसे ही लोग आपको होली पर या फिर जो दशहरे में अष्टमी नवमी की बात आती है, उस वक्त बलि प्रदान की प्रथा जो चलती है, तो उस वक्त ये लोग कोई ट्रेंड नहीं करेंगे, चुपचाप खामोश रहते हैं, मजे लेते हैं। लेकिन अभी जब मुसलमानों का पर्व आया तो बकरीद में जो सेक्रीफाइस की बात होती है, तो ये लोग उसके खिलाफ खड़े होकर सोशल मीडिया में मुहिम छेड़ते हैं और सड़कों पर तो गौरक्षक बजरंग दल वाले एक्टिव हो ही जाते हैं। वो एक अलग मिशन पर लग जाते हैं, लगता है कि उनके लिए अलग ही पर्व आ गया है कि कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए। तेलंगाना में तनाव का माहौल है, सोसाइटी में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाने लगा है। बीते 10 सालों में ऐसी नफरत की खेती हुई है कि ये सारी चीजें खूब देखने को मिलती हैं। अभी जो भांडा फूटा है इन लोगों का, वही दरअसल मैं बताने के लिए इस रिपोर्ट को बना रहा हूं। कविश अजीज ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं और इसे देखना जरूरी है कि क्या माइंडसेट है, क्या नैरेटिव है, कैसे भौकाल मचाने की कोशिश होती है कि नहीं, बकरीद पर कुर्बानी तो नहीं देनी चाहिए, लिहाजा उसके लिए वो एक पॉजिटिव मैसेज देने के चक्कर में कॉपी पेस्ट सिस्टम यानी टूल किट का हिस्सा हो जाते हैं। जरा देखिए कविश अजीज ने जो ट्वीट किया है, फिर उनके स्क्रीनशॉट को भी दिखाते हैं। वो लिखते हैं कि कुर्बानी ना करने का संकल्प लेने वालों की जादूगरी तो देखिए, सबके घर के बाहर एक जैसा कूलर, एक जैसे दीवार, एक जैसा पेड़, एक ही रंग का पाइप और एक ही रंग की ग्रिल लगी हुई है। कमाल नहीं तो और क्या है। अब सोचेंगे कि उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया, तो हम 4 स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। चारों के मैसेज देखिएगा, चारों की तस्वीरें देखिएगा, चारों के घर के रंग रोगन को भी देखिएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पहला ट्वीट है डॉक्टर जैकॉल का, इनका स्क्रीनशॉट लिया गया। यहाँ देखिए, आप देखेंगे कि एक दीवार है और फिर आगे कूलर है, एक हरे रंग की पाइप है, पेड़ है, ग्रिल है, सब देखेंगे आप। क्या लिखा हुआ है, दिस ईद उल अजहा आई एम नॉट मेकिंग अ गोट सेक्रीफाइस, इंस्टेड आई हैव इंस्टॉल्ड अ वाटर कूलर आउटसाइड माई हाउस इन दिल्ली फॉर द सेम प्राइस। मतलब समझिए कि इस ईद उल अजहा पर यानी बकरीद पर्व पर हम किसी बकरे की बलि नहीं देने जा रहे हैं, उसके बदले हमने अपने घर के बाहर एक वाटर कूलर लगाया है दिल्ली में उतने ही दाम में। ठीक है, अब मान लीजिए 8-10 हजार रुपए का अगर कोई बकरा आ रहा होगा तो इन्होंने 10 हजार का एक कूलर लगाया है। चलिए, आपकी खुशी की बात है, आपने लगाए हैं, लेकिन जरा अब अगले ट्वीट पर, अगले स्क्रीनशॉट पर गौर कीजिएगा, फिर दिमाग खटकेगा। डॉक्टर सिली MD, इनकी भी तस्वीर वही है, जज्बात वही है, तस्वीर में वही कूलर, वही दीवार, वही पाइप, वही पेड़, वही दरवाजे, वही ग्रिल, सब कुछ देख रहे हैं आप। मैसेज भी देख लीजिए, दिस ईद उल अजहा आई एम नॉट मेकिंग अ गोट सेक्रीफाइस, इंस्टेड आई हैव इंस्टॉल्ड अ वाटर कूलर आउटसाइड माई हाउस इन दिल्ली फॉर द सेम प्राइस। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिए ईद उल अजहा है और मैं इस बार कोई बकरे की बलि नहीं देने जा रहा, उसके बदले हमने अपने घर के बाहर एक वाटर कूलर लगाया है दिल्ली में सेम प्राइस में। अब मतलब
ये डॉक्टर सिली साहब का और उससे पहले जिन साहब का आपने स्क्रीनशॉट देखा, दोनों का घर लगता है सेम ही है क्या? दोनों ने दिल्ली में ऐसा काम किया है कि कूलर लगवाया है भाई, कि भाई हम सेक्रीफाइस तो नहीं करेंगे लेकिन वाटर कूलर लगा देते हैं, भले का काम हो जाएगा, पुण्य का काम होगा। अब इससे क्या लगा आपको? दोनों रिश्तेदार हैं क्या? नहीं ना, फिर भी दोनों के बातें सेम हैं, तस्वीरें सेम हैं, अंदाज सेम हैं। अब तो इसके बाद जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ वो तो कमाली हो गया है भैया। कूलर कहाँ से कहाँ जा रहा है ये आप समझेंगे। जरा देखिए, तस्वीर वही, जज्बात वही, हालात वही, कूलर वही, पाइप वही, पेड़ वही, गेट वही, दीवार ग्रिल वही। मैसेज पे गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है, दिस ईद उल अजहा आई एम नॉट मेकिंग अ गोट सेक्रीफाइस, इंस्टेड आई हैव इंस्टॉल्ड अ वाटर कूलर आउटसाइड माई हाउस इन लाहौर फॉर द सेम प्राइस। अब सोचिए, ये कूलर बेचारा अब भारत से यानी दिल्ली से लाहौर चला गया है, घर सहित ले गया है, पेड़ भी ले गया है, दीवार सब कुछ ले गया है। कमाल का कूलर है भाई, कमाल कर देता है। पाइप भी ले गया है, वो हरा वाला जो पाइप है ना, वो भी ले गया है। और इसमें लोकेशन दिल्ली से लाहौर शिफ्ट हो गया, मतलब बहुत अच्छे से मेहनत के साथ घर को जेसीबी मंगाया होगा और कूलर उलर सब ले गया होगा। ये जो फॉल्स नैरेटिव करने वाले होते हैं ना, वो इस तरीके का खेल करते हैं। एक और है, ये भी देख लीजिए, इन्होंने कहाँ पर सेट किया इस कूलर को, ये भी देख लीजिए। सब कुछ वही है, हालात वही है, फोटो में आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इनके मैसेज को देखिए। अब ये कूलर, ये घर कहाँ उठ कर गया है, इस ट्वीट में पता चलेगा। दिस ईद उल अजहा आई एम नॉट मेकिंग अ गोट सेक्रीफाइस, इंस्टेड आई हैव इंस्टॉल्ड अ वाटर कूलर आउटसाइड माय हाउस इन हैदराबाद फॉर द सेम प्राइस। मतलब इस ईद उल अजहा मैं कोई बकरे की बलि नहीं देने जा रहे, और मैंने इसके बदले में एक वाटर कूलर इंस्टॉल किया है अपने घर के बाहर हैदराबाद में सेम प्राइस में। अब ये कूलर हैदराबाद भी पहुंचा, दिल्ली भी पहुंचा, लाहौर भी पहुंचा, और दिल्ली में भी अलग अलग घरों में पहुंचा, तो सबका घर जो है एक ही कलर का, एक ही डिजाइन का है, कूलर भी वही है। अब इस खेल को कौन नहीं समझेगा भाई, कमाल के चुड़ है इन लोगों को कि किसी के पर्व त्योहार में कहीं कुर्बानी हो रही है तो उससे इन्हें आपत्ति हो जाती है। ये क्या खाते हैं, ये क्या पहनते हैं, इनसे भी लोगों को चुड़ है। ये हिजाब क्यों पहनते हैं, ये नकाब क्यों डालते हैं, ये बुरका में क्यों रहते हैं, इनसे भी चुड़ है। ये नमाज क्यों पढ़ते हैं, भले खुद भजन कर लें, बड़े बड़े जो है आयोजन कर लें, गोष्ठी कर लें, कीर्तन भजन कर लें, माता की चौकी भी लगाते हैं, खूब बाजा भी बजाते हैं, तब किसी को दिक्कत नहीं है, कभी कोई मुसलमान इनके खिलाफ केस करने नहीं जाते। लेकिन यही लोग कहीं एकांत में कोने में नमाज पढ़ लें तो पूरा का पूरा मजमा लग जाता है ऐसे ही फॉल्स नैरेटिव करने वालों का, जो सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ लिखते हैं, फिर जाकर कहीं FIR करा देंगे, विवाद बढ़ा देंगे। और आज बकरीद पर्व पर भी माहौल बिगाड़ने के लिए कई लोग, कई गौरक्षक सड़कों पर तांडव कर रहे हैं, और ये तबका जो है सोशल प्राणी, जो ऑनलाइन सोशल है, निश्चित तौर पर समाज में ये सोशल नहीं होगा लेकिन यहाँ सोशल है, और ये कर क्या रहा है कि कूलर लगा रहा है भाई, और कूलर भी ऐसा लगा रहा है कि घर सहित कूलर शिफ्ट कर रहा है, कभी दिल्ली में वही कूलर है तो कभी लाहौर में है, कभी हैदराबाद में है तो कभी कहीं है। यह खेल चले तो इन लोगों को अमेरिका में भी लगवा दे और कहे कि मैं अमेरिका में आज ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तस्वीर वही रहे। ये सब दरअसल एक ही केंद्र होता है और इनकी एक टीम होती है जिन्हें बेसिकली IT सेल कहा जाता है, और ये IT सेल वाले ऐसे सरांध मचाते हैं, लेकिन इनकी चोरी पकड़ी जाती है, फिर पकड़ी गई है, आगे भी पकड़े जाएंगे, एक्सपोज होंगे। अब देखिए अपनी बेइज्जती कराकर इन्हें कैसा एहसास हो रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Life TV, सच सबसे आगे।